Welcome to part 2 of my Amazon KDP for Beginners course. इस वीडियो के part 1 में हमने सीखा लो कंटेंट बुक्स क्या होती हैं, निश रिसर्च कैसे करें एक अच्छी KDP बुक कैटेगरी ढूंढने के लिए और कैनवा में बुक का कवर कैसे बनाएं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाकर उसे पहले देख सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमें जो एक परफेक्ट निश मिला था वो था ब्लड शुगर लॉग बुक। लास्ट वीडियो में हमने उस बुक का कवर बनाया था और आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम उस बुक के इंटीरियर पेजेस बनाएंगे और बुक को अपलोड और पब्लिश करने का प्रोसेस भी देखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बुक के अंदर के पेजेस बनाने के लिए सबसे पहले हमें पेज का साइज पता होना चाहिए। इंटीरियर पेजेस का क्या साइज रखना है ये पता करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि उस पेज में ब्लीड है कि नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? सिंपल भाषा में अगर हम इसे समझें तो अगर आपकी बुक में कोई भी एलिमेंट, पिक्चर, लाइंस, कुछ भी अगर पेज के बिल्कुल एंड बॉर्डर तक जा रहा है और उसे टच कर रहा है तो हम कहेंगे कि इस बुक में ब्लीड है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप इस राइट साइड वाली इमेज में देख सकते हैं, ये पिक्चर पेज के बॉर्डर तक टच हो रही है, बिल्कुल एंड तक, तो राइट साइड वाले पेज में ब्लीड है। लेफ्ट साइड वाले पेज में सब कुछ एक मार्जिन के अंदर है तो लेफ्ट साइड वाले पेज में ब्लीड नहीं है। ब्लीड और पेज साइज का क्या कनेक्शन है? बेसिकली अगर आपकी बुक में ब्लीड है, यानी कि कोई भी टेक्स्ट या इमेज या लाइन पेज के बॉर्डर तक टच हो रही है, तो हमें पेज का साइज थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। लेकिन अगर सब कुछ मार्जिन्स के अंदर ही है तो पेज साइज सेम रहता है, जो भी बुक का साइज है वही रहता है। तो मैं अपनी बुक में सारा कंटेंट मार्जिन्स के अंदर ही रखूंगी, तो इसीलिए मेरा बुक साइज और पेज साइज दोनों सेम ही होगा। मेरा बुक साइज है 6x9 inches, तो मेरा पेज साइज भी 6x9 inches होगा। ब्लीड, मार्जिन्स, पेज साइज और फॉर्मेटिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन Amazon आपको खुद क्लियरली प्रोवाइड करता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पेज पे मिल जाएगी। अगर आप अपने KDP होम पेज पे हेल्प पे जाएं, लेफ्ट में फॉर्मेट योर पेपर बैग पे क्लिक करें, फिर सेट द साइज ऑफ योर बुक एंड मार्जिन्स पे क्लिक करें, तो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसा कि मैं यहाँ देख सकती हूँ, अगर मेरी बुक में ब्लीड होता तो मेरा पेज साइज थोड़ा बढ़ के 6.125x9.25 inches हो जाता। लेकिन क्योंकि मेरी बुक में कोई ब्लीड नहीं है, यानी सब कुछ मार्जिन्स के अंदर ही है, तो मेरा पेज साइज 6x9 inches ही रहेगा, जो कि मेरा बुक साइज है। ब्लीड, मार्जिन्स, फॉर्मेटिंग, ये सब शुरू में थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, तो अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको ये टिप दूंगी कि शुरू में चीजें सिंपल रखने के लिए सब कुछ मार्जिन्स के अंदर ही रखो। इससे आपका बुक साइज और पेज साइज सेम ही रहेगा, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए अब हम कैनवा में चलते हैं और इंटीरियर बनाना शुरू करते हैं। साइज है हमारा 6x9 inches। क्लिक ऑन क्रिएट न्यू डिजाइन। नेक्स्ट हम सेट करेंगे पेज के मार्जिन्स, ताकि एंड में जब हमारी बुक फाइनली प्रिंट हो तो हमारा सारा कॉन्टेंट सेफ रहे और कुछ भी कटे ना। ये जानने के लिए कि हमें कितना मार्जिन सेट करना है, हम उसी सेम पेज पे जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि लिखा है कि अगर हमारी बुक 24 से 150 पेजेस की है तो हमारा इनर मार्जिन होगा 0.375 inches और हमारे आउटर मार्जिन्स होंगे 0.25 inches। चलिए अब हम अपने पेज में इन मार्जिन्स को सेट करते हैं। तो पहले हम राइट पेज के मार्जिन सेट करेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई बुक खोलते हैं तो हमें पहला पेज राइट साइड वाला दिखता है। तो मैं जाऊंगी लाइंस एंड शेप्स में और मैं सेलेक्ट करूंगी ये स्क्वायर शेप। पोजीशन में जाके मैं इसकी विड्थ कर दूंगी 0.375 inches। तो ये हो गया हमारा इनर मार्जिन राइट पेज का। नेक्स्ट मैं बाकी के तीन आउटर मार्जिन सेट करूंगी, ये तीनों होंगे 0.25 inches। तो मैंने इसी बॉक्स को कॉपी कर लिया और इसकी विड्थ चेंज कर दी 0.25 inches में और इसे मैंने राइट साइड में अलाइन कर दिया। ऊपर और नीचे वाले दोनों मार्जिन भी 0.25 inches ही हैं, तो मैंने इसी सेम बॉक्स की दो कॉपीज बना के उनको रोटेट करके ऊपर और नीचे अलाइन कर दिया। उसके बाद इन छोटे बॉक्सेस को गाइड की तरह यूज करके मैंने एक बड़ा सा बॉक्स बना लिया। तो अब ये बॉक्स हमारे लिए एक फ्रेम का काम करेगा। अब बस सिंपली हमें अपना सारा कंटेंट इसी फ्रेम के अंदर रखना है। तो ये तो हो गया हमारा राइट पेज। लेफ्ट पेज बनाने के लिए अब हम इसी पेज को डुप्लीकेट करेंगे। तो लेफ्ट पेज का इनर मार्जिन राइट साइड पे होगा, तो मैं ये छोटा वाला मार्जिन लेफ्ट में ले आऊंगी और ये बड़ा वाला इनर मार्जिन राइट में। फिर मैं फ्रेम को मूव करके चारों मार्जिन्स के साथ अलाइन कर दूंगी। और अब मैं ये छोटे वाले बॉक्सेस डिलीट कर सकती हूँ, क्योंकि हमें अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा राइट पेज, यहाँ लिख देते हैं राइट। और ये हो गया हमारा लेफ्ट पेज, यहाँ लिख देते हैं लेफ्ट। ओके, अब हम स्टार्ट कर सकते हैं इंटीरियर बनाना। तो मैं अपनी बुक का इंटीरियर कुछ इस ब्लू बुक की तरह बनाऊंगी, क्योंकि इसका डिजाइन सिंपल है लेकिन इसकी फिर भी सेल्स काफी अच्छी हो रही है। ये पूरी तरह से आपके ऊपर है कि आप इंटीरियर सिंपल रखना चाहते हैं या फैंसी। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है तो मैं सब कुछ सिंपल ही रखूंगी। तो इस बुक के पहले पेज पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए जगह दी गई है, तो मैं भी अपना फर्स्ट पेज ऐसा ही रखूंगी। टेक्स्ट में जाके मैं क्लिक करूंगी एड अ हेडिंग पे और वही सेम टेक्स्ट मैं यहाँ लिख दूंगी, दिस बुक बिलोंग्स टू। फ्रेम ना हिले इसीलिए मैंने इसे लॉक कर दिया। टेक्स्ट का साइज छोटा करके मैंने 20 कर दिया।
नेक्स्ट मैंने लिखा नेम, फोन, एड्रेस. थोड़ा स्पेस दे देते हैं यहाँ पे. एड्रेस के लिए दो लाइंस बना देते हैं. फॉन्ट साइज मैंने 15 कर लिया और इन सब की स्पेसिंग को बराबर कर दिया. फाइनली मैंने लाइंस को थोड़ा और बड़ा कर दिया. ओके, दैट लुक्स गुड. अब इन दोनों एलिमेंट्स को मैंने कॉपी कर लिया और बस हेडिंग को चेंज कर दिया. इन केस ऑफ इमरजेंसी प्लीज कॉन्टैक्ट. ऑलराइट, ये सही लग रहा है. तो मैंने इन सारे एलिमेंट्स को एक साथ ग्रुप करके हमारे फ्रेम के साथ अलाइन कर दिया. तो ये हमारा पेज वन रेडी है. अब इस पेज के जो पीछे वाली साइड है यानी कि पेज टू, उसे मैं खाली छोड़ना चाहती हूँ. तो मैंने इसी पेज को कॉपी करके इसके सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर दिया और पेज टू लेफ्ट पेज होगा. तो मैंने टाइटल चेंज करके लिख दिया लेफ्ट. ओके, अब आते हैं पेज थ्री पे जो कि इस बुक का मेन पेज है. सो पेज थ्री राइट पेज होगा. तो मैंने पेज वन को कॉपी किया क्योंकि उसके मार्जिन हमने ऑलरेडी सेट करे हुए हैं और ग्रिड व्यू में जाके उसे राइट साइड में ले आई. तो अब ये पेजेस का ऑर्डर ठीक है, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट. ओके, अब मैं इस बुक का मेन पेज बनाऊंगी. तो मैंने फ्रेम को छोड़ के ये सारे एलिमेंट्स डिलीट कर दिए. तो जैसा कि मैंने उस ब्लू बुक में देखा था, मैं वैसा ही एक टेबल बनाऊंगी. तो हम कैनवा में सर्च करेंगे टेबल. पहला वाला सही लग रहा है. इस टेबल में टोटल 8 कॉलम्स होंगे. तो मैंने प्लस पे क्लिक करके 8 कॉलम्स बना लिए. ऊपर वाली रो में मुझे सिर्फ 5 बॉक्सेस ही चाहिए. तो मैं इन बॉक्सेस को सिलेक्ट करके मर्ज कर दूंगी. टेबल साइज बढ़ा देते हैं. फिर मैं चाहती हूँ कि इन सारे बॉक्सेस का साइज सेम हो. तो मैं इनको सेलेक्ट करके साइज कॉलम्स इक्वली पे क्लिक करूंगी. फिर मैं ये लास्ट रो के सारे बॉक्सेस को सेलेक्ट करके मर्ज कर दूंगी. तो अब ये टेबल उस शेप में आ गया है जैसा मुझे चाहिए. नेक्स्ट मैंने इसका बॉर्डर साइज कम कर दिया और सारा टेक्स्ट लिख लिया जो भी इस टेबल में है. बिफोर आफ्टर टेक्स्ट को मैंने ऊपर अलाइन कर दिया और इनका साइज छोटा कर दिया. यहाँ पे लिख देते हैं मंडे और यहाँ पे नोट्स. परफेक्ट. अब बस मैंने इस टेबल को 7 बार कॉपी कर लिया और डेज चेंज कर दिए. अब इन सारे टेबल्स को सिलेक्ट करके मैंने फ्रेम के बीच में अलाइन कर लिया. एंड दैट्स इट, हमारा मेन पेज हो गया है रेडी. तो ये पेज राइट साइड का है. अब लेफ्ट पेज के लिए मुझे सिंपली बस इस पूरे टेबल को कॉपी करना है और लेफ्ट पेज के फ्रेम में अलाइन कर देना है. तो ये हो गए हमारे चारों पेजेस रेडी. अब मैंने इनके नाम हल्के से चेंज कर दिए क्लैरिटी के लिए और जो शुरू में हमने मार्जिन के लिए फ्रेम बनाए थे उनको डिलीट कर दिया. तो इस बुक में 110 पेजेस होंगे. तो मुझे सिंपली बस दोनों राइट एंड लेफ्ट पेजेस को सेलेक्ट करके कॉपी करते रहना है. तो मैंने ऐसा करके 70 पेजेस तक कॉपी कर लिया. मैंने 70 पेजेस तक ही कॉपी इसीलिए किया क्योंकि इससे ज्यादा करने पे फाइल साइज बहुत बड़ा हो गया था और कैनवा मेरी फाइल सेव नहीं कर रहा था. पर चिंता मत कीजिए, इसका एक बहुत सिंपल सा सलूशन है. हमें बस करना ये है कि पहले हम ये 70 पेजेस तक वाली फाइल को डाउनलोड करेंगे. क्लिक ऑन शेयर, डाउनलोड. यहाँ पे ध्यान रहे कि आपको PDF प्रिंट चूज करना है क्योंकि प्रिंटिंग के लिए बेस्ट क्वालिटी इसी फॉर्मेट की होती है. बस इसे फिर डाउनलोड कर लीजिए. तो ये हमारी 70 पेज वाली बुक डाउनलोड हो गई है. लेकिन अभी हमें 40 पेजेस और चाहिए. तो मैं वापस कैनवा में जाके इसी फाइल से 40 पेजेस सेलेक्ट करके डाउनलोड करूंगी. तो इस पॉइंट पे मैंने सोचा कि मैं ये बुक के लास्ट दो पेजेस ब्लैंक छोड़ना चाहती हूँ ताकि अगर किसी को बुक में कुछ एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह लिखने हो तो वो लिख सके. इसीलिए मैंने दो पेजेस का कंटेंट डिलीट कर दिया और अब मैं ये 40 पेजेस डाउनलोड कर लूंगी. तो मैं सेलेक्ट करूंगी पेजेस 11-50 और इस फाइल को डाउनलोड कर लूंगी. फाइल को रीनेम कर देते हैं. तो अब मेरे पास ये दो फाइल्स हो गई हैं. अब हमें बस इतना करना है कि इन दोनों फाइल्स को मर्ज करना है. ये आप बहुत इजीली कर सकते हैं किसी भी फ्री ऑनलाइन सर्विस से. बस गूगल में टाइप कीजिए PDF मर्ज और मुझे जो पहला रिजल्ट दिखा उसी पे मैंने क्लिक किया. यहाँ पे मैंने दोनों फाइल्स अपलोड कर दी और इनको मर्ज कर दिया. क्लिक ऑन डाउनलोड मर्ज्ड PDF और ये हमारी फाइनल बुक रेडी है 110 पेजेस के साथ. ये लास्ट के दो पेजेस ब्लैंक है जैसा कि मैं चाहती थी. ओके, परफेक्ट. तो अब हमारे पास कवर और इंटीरियर दोनों फाइल्स रेडी हैं अपलोड के लिए. तो आप देख सकते हैं कि हम एक पूरी लो कंटेंट बुक कितनी आसानी से और कितनी जल्दी बना सकते हैं. सिर्फ आधे घंटे के अंदर आप एक पूरी बुक बना सकते हैं और इस बिजनेस को आज से ही शुरू कर सकते हैं. एक बार आपने अपनी बुक पब्लिश कर दी तो वो आपके लिए एक पैसिव इनकम जनरेटिंग एसेट बन जाएगी. और अगर आपने निश अच्छा चूज किया है और डिजाइन भी अच्छा बनाया है तो जरूर आपको धीरे धीरे सेल्स आने लगेंगी. इसी तरह से आपको बस बुक्स बनाते रहना है और अपलोड करते रहना है. आप जितनी बुक्स अपलोड करेंगे उतना ही आपके इस बिजनेस में सक्सेस के चांसेस बढ़ेंगे. और इस बिजनेस की बेस्ट पार्ट ये है कि आपको अपनी जेब से एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है. बस आपको इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना है और वो भी बस दिन के कुछ ही घंटे, और कंसिस्टेंटली बुक्स पब्लिश करते रहना है.
तो चलिए अब हम इस बुक को KDP पे अपलोड करते हैं। इसके लिए मैं आ गई हूँ अपने KDP होम पेज पे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रहा है तो गिव इट अ थम्स अप, और अगर आप ऑनलाइन इनकम से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो होम पेज पे जाके आपको सबसे पहले क्लिक करना है क्रिएट पे, क्लिक ऑन क्रिएट पेपरबैक। हमारी बुक लैंग्वेज इंग्लिश ही है तो हम इसे सेम रहने देंगे। नेक्स्ट बुक टाइटल, यहाँ पे हम लिखेंगे ब्लड शुगर लॉग बुक। सब टाइटल ऑप्शनल है तो मैं इसे ब्लैंक छोड़ रही हूँ। ये बुक किसी सीरीज का पार्ट नहीं है तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। एडिशन नंबर की भी कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है ऑथर, यहाँ पे आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अपना रियल नाम ही यूज करना है। तो मैं यहाँ पे एक रैंडम इंग्लिश नाम रखूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि US कस्टमर्स को इंग्लिश नाम ज्यादा फेमिलियर और ट्रस्टवर्दी लगेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मार्सी जोन्स। नेक्स्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स, इस बुक के और कोई कॉन्ट्रीब्यूटर्स नहीं है तो हम इसे स्किप कर देंगे। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे आपको अपनी बुक के बारे में बताना है कि वो किस बारे में है और वो आपके कस्टमर की नीड को कैसे सॉल्व कर सकती है। ये आप या तो खुद से लिख सकते हैं या फिर Amazon पे दूसरे सिमिलर बुक्स का डिस्क्रिप्शन देख के आइडिया ले सकते हैं कि इसे कैसे लिखें। तो यहाँ पे आप कुछ डिस्क्रिप्शंस के एग्जांपल्स देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन छोटा रखना है या बड़ा ये आपके ऊपर है। तो इस वीडियो में सिंप्लिसिटी के लिए मैं बस एक वन लाइन डिस्क्रिप्शन लिख रही हूँ। सो मैंने लिखा, दिस ब्लड शुगर लॉग बुक विल हेल्प यू टू मॉनिटर योर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स। नेक्स्ट पब्लिशिंग राइट्स में हम चूज करेंगे आई ओन द कॉपीराइट, एडल्ट ओनली कंटेंट नो, प्राइमरी मार्केटप्लेस amazon.com ही है तो ये ठीक है। नेक्स्ट हमें बुक की कैटेगरीज चूज करनी है, तो इस बुक के लिए मैंने कैटेगरी सेलेक्ट करी हेल्थ फिटनेस एंड डाइटिंग, सब कैटेगरी डिजीजेस एंड फिजिकल एलिमेंट्स एंड सब कैटेगरी डायबिटीज जनरल। तो यहाँ पे लिखा है कि हम मैक्सिमम 3 कैटेगरीज चूज कर सकते हैं, तो लेट्स एड अनदर कैटेगरी। तो इस बार मैंने चूज किया कुक बुक्स फूड एंड वाइन, सब कैटेगरी स्पेशल डाइट, डायबिटिक एंड शुगर फ्री। ओके, तो हमने ये 2 कैटेगरीज चूज कर ली हैं। अगर आपको कैटेगरीज में समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी चूज करें, तो अगर आप दूसरी बुक्स के पेजेस पे जाकर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको उनकी कैटेगरीज दिख जाएगी जो आप यहाँ डाल सकते हैं। तो हमारी बुक लो कंटेंट बुक है तो हम इसे चेक करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन है कीवर्ड्स। बेसिकली यहाँ पे आप मैक्सिमम 7 कीवर्ड्स डाल सकते हैं जो आपकी बुक को डिस्क्राइब करते हैं और जो कस्टमर्स यूजुअली सर्च करेंगे आपकी बुक को ढूंढने के लिए। तो मेरा मेन कीवर्ड होगा ब्लड शुगर लॉग बुक, इसको डायबिटिक लॉग बुक भी बोलते हैं। बाकी के कीवर्ड्स मैंने दूसरी बुक्स के टाइटल और डिस्क्रिप्शंस में से कॉपी कर लिए जो मुझे रेलेवेंट लगे और जो मुझे लगता है कि कस्टमर सर्च करेंगे Amazon पे मेरी बुक ढूंढने के लिए। ओके, तो लेट्स सेव एंड कंटिन्यू। तो नेक्स्ट पेज में प्रिंट ISBN में हम चूज करेंगे पब्लिश विदाउट ISBN, क्योंकि जैसा कि यहाँ लिखा है लो कंटेंट बुक्स को ISBN की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पब्लिकेशन डेट को मैं ब्लैंक छोड़ दूंगी, जैसा कि यहाँ पे लिखा है लीव दिस ब्लैंक इफ यू आर पब्लिशिंग योर बुक फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट प्रिंट ऑप्शंस में ब्लैक एंड व्हाइट इंटीरियर विथ व्हाइट पेपर, ठीक है तो इसको सेम ही रहने देते हैं। नेक्स्ट ट्रिम साइज यानी कि बुक का साइज 6x9 inches, ठीक है। नेक्स्ट ब्लीड सेटिंग्स, हमारी बुक में कोई ब्लीड नहीं है क्योंकि हमारी बुक में सब कुछ मार्जिन के अंदर है तो नो ब्लीड, ठीक है। नेक्स्ट कवर फिनिश में मैट ही चाहती हूँ तो इसे मैं सेम ही रहने दूंगी। मैन्यूस्क्रिप्ट में आपको अपनी बुक के इंटीरियर पेजेस अपलोड करने हैं तो यहाँ पे हम अपनी PDF फाइल अपलोड करेंगे, अपलोड होने में 2-3 मिनट लगेंगे। ग्रेट, सेव सक्सेसफुल। नेक्स्ट हम बुक का कवर अपलोड करेंगे, तो हमें ये दूसरा वाला ऑप्शन चूज करना है क्योंकि हमने ऑलरेडी कवर बना रखा है। कवर और मैन्यूस्क्रिप्ट प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक बार यह हो जाए तो आपको कुछ इस तरह का मैसेज दिखेगा। अब हम लॉन्च प्रीव्यूअर में जाके अपनी बुक का प्रीव्यू देख सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं सब कुछ परफेक्ट है। अगर बुक की फॉर्मेटिंग में कोई भी गलती होती तो यहाँ पे मुझे एक एरर मैसेज दिख रहा होता। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी बुक प्रिंट होके कैसी दिखेगी। तो यहाँ पे लिखा है ऑल टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स मस्ट बी इनसाइड द रेड लाइन, और जैसा कि हम देख सकते हैं हमारा सारा मेन कंटेंट रेड लाइन के अंदर ही है। ये रहा हमारा पेज 1, मार्जिन सब ठीक है, मेन पेज की भी फॉर्मेटिंग परफेक्ट है, सब कुछ मार्जिन के अंदर है। और अगर मैं लास्ट पेज पे जाऊं तो मैं देख सकती हूँ कि लास्ट के 2 पेजेस ब्लैंक है जैसा कि मैंने किया था। ऑलराइट, एवरीथिंग लुक्स गुड, तो मैं अप्रूव पे क्लिक करूंगी। नेक्स्ट क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। फाइनली हम आ गए हैं इस पेज पे। सो टेरिटरीज वाले सेक्शन में जो ऑप्शन ऑलरेडी सेलेक्टेड है ऑल टेरिटरीज, ये सही है क्योंकि ये हमारी बुक है तो हमारे पास इसके वर्ल्ड वाइड राइट्स हैं, हम इस बुक को पूरी दुनिया में कहीं भी सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्राइमरी मार्केटप्लेस भी सही है क्योंकि हम इसे US की वेबसाइट amazon.com पे सेल करना चाहते हैं।
नेक्स्ट हमें बुक का प्राइस सेट करना है, तो ज्यादातर बुक्स का प्राइस था $6.99, तो मैंने भी वही रखा है। तो यहाँ पे लिखा है कि हमें इस बुक की हर सेल पे $1.87 की रॉयल्टी मिलेगी। तो बस हमने सारी इन्फॉर्मेशन एंटर कर दी है और अब हम क्लिक करेंगे पब्लिश योर पेपरबैक पे। ग्रेट, हमारी बुक हो चुकी है सबमिट। अब Amazon इसे रिव्यू करेगा और अगर बुक में कोई एरर्स नहीं है तो आपकी बुक 3 दिन के अंदर Amazon.com पे अवेलेबल हो जाएगी, जिसके बाद कोई भी US कस्टमर आपकी बुक खरीद सकता है। यूजुअली इसमें 3 दिन नहीं लगते हैं, 1-2 दिन में ही बुक पब्लिश हो जाती है। जब बुक Amazon पे लाइव हो जाएगी तो आपको Amazon से एक ईमेल आएगा। तो मैंने अपनी बुक Amazon पे सबमिट करी थी July 18th को, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये अभी इन रिव्यू दिखा रहा था। और 2 दिन बाद ही 20th July को मुझे Amazon से ईमेल आ गया था कि मेरी बुक पब्लिश हो चुकी है Amazon पे। तो इस लिंक पे क्लिक करने पे मैं देख सकती हूँ कि मेरी बुक अब अवेलेबल हो गई है Amazon पे। ऑथर का नाम, प्राइस, पेजेस, सारी इन्फॉर्मेशन वैसी ही है जैसे मैंने एंटर करी थी। परफेक्ट, That's it guys। तो आप देख ही सकते हैं कि कैसे आप कुछ ही घंटों में ये बिजनेस कितनी आसानी से शुरू कर सकते हैं विद लिटरली जीरो इन्वेस्टमेंट। एक बच्चा भी इसे शुरू कर सकता है बिल्कुल फ्री में, बिना किसी रिस्क के। इस बिजनेस के लिए आपको कोई इन्वेंट्री नहीं खरीदनी है, ये पूरा काम ऑनलाइन होगा। और एक बार आपने अपनी बुक पब्लिश कर ली तो वो एक तरह से आपके लिए एक डिजिटल एसेट बन जाएगा, जो आने वाले समय में आपके लिए पैसिव इनकम जनरेट करेगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको एक पूरा अच्छा ओवरव्यू मिल गया होगा इस बिजनेस के बारे में। इस कोर्स में मैंने आपको एक परफेक्ट निश भी बताया, ब्लड शुगर लॉग बुक वाला, जिसमें अभी के टाइम काफी कम कंपटीशन है। तो आप भी इसी निश में अपनी पहली बुक पब्लिश कर सकते हैं और आज से ही इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो इसे लाइक करें, और अगर आप ऑनलाइन इनकम से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।